हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाडिया और आज के लेक्चर नंबर 7 में, देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, गाउस का नियम। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने समझ लिया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक है हमारा आज का, गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का नियम जो है वो विद्युत फ्लक्स में और विद्युत आवेश दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारा गाउस का नियम है वो क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए लगता है, यानी कि जो बंद, जो हमारे परिबद्ध जो होते हैं स्ट्रक्चर सर्फेसेस, यानी कि ये कहें कि परिबद्ध या बद्ध बंद आकृतियों के लिए, ठीक है, गाउस का नियम जो एप्लीकेबल होता है वो होता है हमेशा बंद आकृतियों के लिए, यानी जो क्लोज्ड सरफेसेस होती हैं उनके लिए जो है ये लगता है क्या, गाउस का नियम। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से हम एक आकृति ले रहे हैं, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक हमने इस टाइप से लिया, ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से मुझे ये बताइए कि बंद सतह कौन सी है। ठीक है, आकृति ना कहे तो बढ़िया रहेगा, हम इसको कहते हैं बंद सतह। ठीक है, बंद सतह के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है। तीनों में से, तीनों एग्जांपल में से आप सबसे पहले ये बताइए कि तीनों में से क्लोज्ड कौन सी है और ओपन सरफेस कौन सी है। तो आप कहेंगे डेफिनेटली यहाँ पर, देखिए सॉरी इसको मिलाया नहीं मैंने, ये वाली जो सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस है और ये दोनों ओपन है, क्योंकि इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए गाउस का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हाँ, इस पर गाउस का नियम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि गाउस का नियम होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, पहली चीज़ हमने समझ ली कि गाउस का नियम हमेशा बंद सतहों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब देखिए गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला यानी कि निर्गमित कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी कोई भी बंद सरफेस है उससे निकलने वाला कुल जो फ्लक्स होता है वो उस सतह में परिबद्ध कुल आवेश का 1/E0 गुणा होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई क्लोज्ड सरफेस है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, कोई क्लोज्ड सरफेस है उसे निर्गमित कुल फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर जितने टोटल आवेश हैं, उस आकृति के अंदर, उस सरफेस के अंदर जितने भी परिबद्ध कुल आवेश हैं उसका 1/E0 गुणा यानी कि 1/E0 इसके बराबर होता है फ्लक्स। ठीक है, और ये है हमारा गाउस का नियम। चीज़ समझ में आई। देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसी कोई सरफेस थी, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है ये, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से बहुत सारे आवेश पड़े हैं। ठीक है, तो इनका टोटल जो इनके अंदर जो आवेश सम्मिशन क्यू, ये क्या होने वाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम्मिशन क्यू 1/E0, यानी कि क्यू का 1/E0 गुणा होता है क्या, इसके अंदर का कुल फ्लक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यही है हमारा गाउस का नियम, क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गमित कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह में परिबद्ध कुल आवेश का 1/E0 गुणा होता है, यानी कि सम्मिशन Q/E0 बराबर होगा इसके फ्लक्स के। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे हम कि ये फ्लक्स है और ये है कुल आवेश, और E0 की बात करें तो आपको पता है E0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हमने समझ लिया है किस चीज़ को, गाउस के नियम को। अब आप कहेंगे हमने तो फ्लक्स को पहले भी पढ़ा था। देखिए फ्लक्स की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी और फ्लक्स का सूत्र भी हमने देखा था। देखिए फ्लक्स फाई जो होता है वो क्या होता है, EA cos θ। ठीक है, परिभाषा से देखें तो सूत्र हमारा ये रहेगा, लेकिन गाउस के नियम से देखें तो फ्लक्स ये भी होगा। ठीक है, और आगे जब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग अभी करेंगे तब हम वहाँ पर यही काम करेंगे कि एक तो फ्लक्स हम यहाँ निकालेंगे, एक फ्लक्स हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, दोनों जो फ्लक्स हैं
उन दोनों की वैल्यू बराबर ही होगी, तो उन दोनों को बराबर रख के हम वहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फाई हमारा डेफिनेशन से फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो तो ये वाला था, और गाउस का नियम कहता है कि फाई आपका इसके बराबर भी होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा फ्लक्स के लिए जो गाउस का नियम लगता है उसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी है, ठीक है, कुछ नियम और शर्तें भी होती है, वो चीज़ें हम जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए यहाँ तक है ये गाउस का नियम अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख सकते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं कि गाउस का नियम, पहला पॉइंट क्या कहता है कि गाउस का नियम जल्दी से लिखते जाइएगा, गाउस का नियम केवल उसी सतह के ऊपर लागू होता है या उसी सतह के लिए सत्य होता है, लिखते जाइए फटाफट से, उसी सतह के लिए सत्य होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं, ठीक है, के नियम की पालना करते हैं, ठीक है। कूलॉम का जो लॉ ऑफ फोर्स था, यानी कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर डिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है वो भी स्क्वायर में, ठीक है, तो कूलॉम का जो लॉ है उसको अगर फॉलो करेगा तभी उस सरफेस पर गाउस का नियम लागू होगा, ठीक है, की पालना करेगा। पहली शर्त तो हमारी हो गई ये, और दूसरी चीज़ कि गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों में लागू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निर्वात में ही रहेगा, नहीं, माध्यम में भी गाउस का नियम लग सकता है, ठीक है। तो निर्वात और माध्यम दोनों में लागू होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसी गाउस के नियम के बारे में कि गाउस का नियम केवल उसी सतह के लिए लागू होगा या उसी सतह के ऊपर लागू होगा जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालना करते हैं, और दूसरा कि गाउस का नियम निर्वात में भी लग सकता है और माध्यम में भी लग सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। दो चीज़ें हमने जान ली हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जान लेते हैं ताकि अगर जब भी हम इसको अप्लाई करें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तीसरा फैक्ट जाने कि गाउस के लिए जो प्रस्ट होता है ना, जैसे अभी हमने ये सरफेस देखी थी जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस थे, ठीक है, तो इसे हम गाउसियन प्रस्ट भी कह देते हैं, ठीक है, इसे हम गाउसियन प्रस्ट भी कह देते हैं, ठीक है, गाउसियन प्रस्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए कि जो गाउसियन प्रस्ट होता है, यानी जो भी हमने सरफेस लिए, जो भी हमने प्रस्ट लिए, जिसे हम क्लोज्ड प्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो गाउसियन प्रस्ट जो है वो काल्पनिक भी हो सकता है, यानी वो क्या होता है, एक काल्पनिक प्रस्ट होता है, और वो क्या हो सकता है, स्वैच्छिक प्रस्ट होता है, ठीक है, स्वैच्छिक प्रस्ट होता है, यानी कि कोई भी क्यू चार्ज है तो उसके लिए हम क्लोज्ड सरफेस लेना चाहिए तो वो हम जो है हमारी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर ये कोई क्यू चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला चार्ज है, इनके लिए अगर हम क्लोज्ड सरफेस लेना चाहें, ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल लिया, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर ली, या फिर हमने इस टाइप से बेलन ले लिया, ठीक है, या कोई भी पेंटागोनल ले लिया, ठीक है, इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर ले ली, तो ये सारे इन सभी के लिए एक ही चीज़ रहेगी, क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में ई नॉट, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज हमारा क्यू है और क्यू को अगर हम 1/E0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फ्लक्स आ जाता है। लेकिन ज्यामिति से, यानी गाउसियन पृष्ठ की ज्यामिति से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला सिर्फ क्यू पर, यानी उसके अंदर टोटल कितना आवेश है, और 1/E0 इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि गाउसियन पृष्ठ और
जो गाउसियन पृष्ठ है वो काल्पनिक हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, हम अपनी इच्छा से स्वैच्छिक होता है, हम कैसा भी उसको ले सकते हैं, उसकी ज्यामिति पर जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ है जो हम इम्पॉर्टेंट है, जो जान लेना बेहतर होगा हमारे लिए, कि इसके अंदर जो आवेशों का वितरण है, ठीक है, फ्लक्स जो है या गाउस का नियम जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चार्जेस, नेट चार्ज हमें देखना है कैसा है, उसके अंदर वितरण कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि गाउस का नियम या बोले तो फ्लक्स, गाउस के नियम में फ्लक्स आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, देखते जाइएगा कैसे नहीं निर्भर करता, वितरण पर निर्भर नहीं करता, देखते जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से हमने कोई सरफेस ली है, ठीक है, इसके अंदर नेट चार्ज हमें क्यों करना है, नेट चार्ज अगर क्यू है, मान लीजिए इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर एक क्यू बाई टू है, दूसरा क्यू बाई टू है, ठीक है, दो चार्जेस हैं, इसके अंदर तीन चार्जेस रखे हुए हैं, मान लीजिए एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ठीक है, और ये चलिए प्लस क्यू, ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें मान लेते हैं क्यू बाई टू है, क्यू बाई फोर एंड क्यू बाई फोर, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से तीन आवेश हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी नेट चार्ज कितना है क्यू, इसमें भी क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू कितना हो गया, ओनली प्लस क्यू, ठीक है, इसमें प्लस क्यू और माइनस टू कट हो जाएगा, नेट आवेश कितना रहेगा, ओनली प्लस क्यू, और इसमें क्यू बाई टू, क्यू बाई फोर एंड क्यू बाई फोर क्यू बाई टू हो जाएगा, यानी कि अगर हम समीशन ऑफ क्यू देखें तो इसमें भी क्यू रहेगा, इसमें अगर देखें समीशन ऑफ क्यू इसमें भी क्यू आएगा, इसमें समीशन ऑफ क्यू देखें तो भी क्यू आएगा, और इसमें देखें समीशन ऑफ क्यू तो क्यू आएगा, लेकिन आवेशों का वितरण, चारों में आवेशों का वितरण समान नहीं है, लेकिन इनके लिए फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स क्या रहेगा, समीशन क्यू बटे में ई नॉट, यानी कि ये रहेगा क्यू बटे में ई नॉट। ठीक है, चारों के लिए बराबर रहेगा क्योंकि चारों के लिए समीशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्यू ही है। ठीक है, तो चारों के लिए फाई की वैल्यू यही आ जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि गाउस का जो नियम होता है उसके अंदर जो नेट आवेश है वही इंपॉर्टेंट होता है, आवेशों का वितरण जो है उस चीज़ पर ये फ्लक्स जो है वो निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसी टाइप के कुछ और फैक्ट्स देख देते हैं, जैसे नेक्स्ट है कि फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा पर हमने देखा था, समीशन ऑफ क्यू प्रकृति, यानी कि जो है फ्लक्स जो है वो आगत होगा या निर्गत होगा, यानी निकलने वाला होगा या आने वाला होगा, ठीक है, उस पर और माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा था कि वो निर्वात में भी एप्लीकेबल हो सकता है और माध्यम में भी। ठीक है, तो बेसिकली फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, गाउस का जो नियम है वो कुलाम के नियम से अधिक व्यापक है, बेसिकली लगता तो वही है जहां पर कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का की पालना हो रही हो, लेकिन उससे ज्यादा व्यापक है। ठीक है, उससे ज्यादा विस्तृत है, उससे ज्यादा व्यापक है, क्यों, क्योंकि कुलाम का नियम सिर्फ चार्ज एट रेस्ट पर लगता है, यानी जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तभी सिर्फ कुलाम का नियम लगता है, लेकिन गाउस का नियम, चाहे हमारा चार्ज मूविंग चार्ज हो या चार्ज एट रेस्ट हो, यानी कि चाहे वो स्थिरावस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में जो गाउस का नियम है वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि उसको हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुलाम का नियम सिर्फ स्थिरावस्था में जो आवेश होते हैं, यानी कि स्थिर आवेश जो होते हैं उन पर लागू होता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहे हैं और उतना ही फ्लक्स मान लीजिए बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए फ्लक्स जितना आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर भी जा रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने कोई सरफेस रखी थी, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर हो रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर आगत फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, ठीक है, आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी कि नेट फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है, यानी कि इसके अंदर खुद के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर खुद के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये फ्लक्स जितना आएगा उतना ही वापिस इसके अंदर से निकल करके दूसरी तरफ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जितना आएगा उतना ही बाहर निकल गया, तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं या नया कुछ क्रिएट नहीं हुआ, तो यानी कि इसके अंदर, अगर इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्यू जो है इक्वल टू जीरो है, तो हमारा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं देखना है कि इसके अंदर आगत देखे या फिर इसके अंदर निर्गत देखे, कुल हमें देखना है, कुल निर्गत। ठीक है, जितना आया उतना ही चला गया, तो कुल निर्गत तो कितना है,
कुल निर्गत तो जीरो है, ठीक है, यानी कि आवेश हमारा जीरो है तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड जीरो हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एट्थ पॉइंट हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है एक गोले के, ठीक है, इस टाइप से एक गोला है और इसके सेंटर में क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बटे मी नोट, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, क्यू है, और फ्लक्स क्या होता है, क्यू का जो है एक बटे ई नॉट गुणा होता है, तो हमारा फ्लक्स तो ये हो गया। अगर हम इसके लिए अर्धगोला लें, ठीक है, मान लीजिए हमारा इस टाइप से हमारे पास एक अर्धगोला है और यहाँ पर क्यू रखा हुआ है, तो बेसिक सी बात है, क्यू के लिए चारों तरफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन्स हैं वो निकलेंगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त ले रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला आधा पृष्ठ ही ले रहे हैं, तो इसके लिए फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हमारा क्यू बटे में टू ई नॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आवेश जो है वो इसको आधा ही मिलेगा, क्यू बाई टू आवेश ही मिलेगा इस नीचे वाले को, क्यू बाई टू ऊपर वाले को मिलेगा, ठीक है, अगर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो क्यू नॉट, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर यही जो है आवेश यहाँ पर होता, ठीक है, उसके अंदर होता, ठीक है, गोले अर्धगोले के भी अंदर होता, तो इसके लिए हमारा फाई कितना होता, क्यू बटे में ई नॉट ही होता। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फाई है वो हाफ हो जाएगा, अगर क्यू जो चार्ज है वो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो ये ज्योमेट्रिकली कुछ चीज़ें थी जो हमने समझ ली हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गाउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कि गाउस के नियम का यूज़ हम करने वाले हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। कैसी कैसी चीज़ें, देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के लिए, यानी चालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए, अलग अलग लोकेशंस पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, किसकी हेल्प से, गाउस के नियम की हेल्प से, ठीक है। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है, इसका अनुप्रयोग है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, आवेशित चालक गोला और उसके कारण आवेश का वितरण वगैरह कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, देखिए आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे चालक गोला, ठीक है, या फिर आएगा अचालक गोला, ठीक है, या फिर आएगा ठोस गोला या जो है खोखला गोला, इस टाइप से चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि इन सभी के लिए आवेशों का वितरण कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास गोला जो है वो खोखला हो, ठीक है, कैसा हो, खोखला, अगर खोखला गोला है या फिर हमारे पास ठोस गोला है, ठीक है, ठोस का मतलब अंदर भी उसके पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन खोखला यानी कि सिर्फ सरफेस पर है, अंदर उसके कुछ भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, अंदर उसके कोई भी पदार्थ नहीं होता, लेकिन जो भाला होता है, जो गोला फेंक जो होता है, ठीक है, वो अंदर से पूरा भरा होता है, लोहे का होता है, ठीक है, मेटल का होता है, यानी कि उस टाइप से ठोस होगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास गोला कैसा होगा, खोखला गोला होगा, ठीक है। खोखला गोला भी दो तरह का हो सकता है, खोखला चालक, या तो खोखला चालक गोला होगा या फिर खोखला अचालक गोला होगा, ठीक है। इसी टाइप से ठोस गोला भी कैसे हो सकता है, ठोस गोला भी चालक हो सकता है और अचालक हो सकता है, ठीक है, अचालक हो सकता है। अब देखिए, जो खोखला गोला होगा उसके अंदर तो कोई पदार्थ ही नहीं है और बिना द्रव्यमान के आवेश एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए सिर्फ सरफेस पर जहाँ पर द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे उसके सरफेस पर ही आवेश रहेगा, ठीक है। तो खोखला गोला चाहे चालक हो या अचालक हो, उसके लिए सिर्फ उसके सरफेस पर ही आवेश रहेगा, ठीक है, उसके लिए सिर्फ उसके सरफेस पर आवेश रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, चालक खोखला हो या कैसा भी हो, देखिए इस टाइप से खोखला है तो उसके सिर्फ सरफेस पर आवेश रहेगा, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको, देखिए ठोस अगर है, अंदर से भी भरा हुआ है, यानी द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, तो चालक गोले के अंदर किस टाइप से वितरण होगा और अचालक के अंदर किस टाइप से वितरण होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो है पदार्थ भरा हुआ है, अंदर से ये खोखला नहीं है, ठीक है, ये खोखला नहीं है। तो चालक के लिए आपको पता है कि चालक के अंदर जो है वो आवेश की मात्रा, यानी नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है, तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ सरफेस पर आवेश रहता है। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ गई तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि किसी भी चालक ठोस अगर है तो उसके चालक के सिर्फ सरफेस पर आवेश रहेगा, लेकिन अचालक है तो अचालक को तो हम उसके पूरे आयतन में आवेश रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, अचालक के पूरे आयतन के अंदर आवेश रहता है, आवेश पूरे आयतन के अंदर वितरित हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। खोखला
चालक हो या अचालक उसके सरफेस रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। ठोस अगर चालक है तो सरफेस पर रहेगा, लेकिन ठोस अगर अचालक है तो कैसा होगा, उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम चालक की बात करें, यहाँ पर देखिए हमने आवेशित चालक गोला लिया है, हमने आवेशित चालक गोला लिया है। अब देखिए चालक एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, चाहे वो खोखला है चाहे वो अंदर से भरा हुआ है यानी कि ठोस है, दोनों में ही उसके सिर्फ सरफेस पर आवेश वितरित है। यानी कि चालक गोला होगा हमारे लिए, हमारे पास चालक गोला होगा, तो चाहे वो खोखला है चाहे वो अंदर से भरा हुआ है यानी ठोस है, दोनों के लिए आवेश का जो वितरण होगा वो ओनली सरफेस पर होगा। ठीक है, दोनों के लिए आवेश का जो वितरण है वो कहाँ पर होगा, केवल और केवल सरफेस पर, यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, यानी चार्ज रहेगा लेकिन नेट आवेश कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अचालक गोले की अगर हम बात करें तो अचालक गोले के लिए हमारे दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो खोखला हो, या तो खोखला हो या फिर कैसा हो, ठोस हो। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, उसको हम खोखला और ठोस के कॉन्सेप्ट में हमने समझ लिया, अब चालक और अचालक के कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं। ठीक है, अचालक गोला अगर खोखला हुआ, अगर खोखला हुआ तो इसके जैसा ही होगा, देखिए इसके जैसा। ठीक है, खोखला हुआ तो किसके जैसा होगा, इसके जैसा, क्योंकि अचालक खोखला गोला, देखिए अचालक और खोखला बिल्कुल इसके जैसा ही है, चालक के जैसा ही। ठीक है, लेकिन अचालक ठोस हुआ तो उसमें कैसे होगा, उसमें यहाँ पर यानी कि पूरे आयतन में जो है आवेश वितरित रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो बेसिकली हमें डायग्राम अगर बनाना है आवेशित चालक गोले के लिए, तो हमें पता चल गया कि आवेशित चालक गोला चाहे ठोस हो या खोखला हो, उसके सिर्फ सरफेस पर चार्ज रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर हमें स्टार्टिंग में समझ में आ गई तो पूरा डेरिवेशन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम यूज़ करेंगे गाउस के नियम का, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेसिकली हम सबसे पहले एक चालक गोला ले रहे हैं, आवेशित चालक गोला है, चालक गोला हो गया, आवेशित कर देते हैं इसको, यानी इस पर आवेश भी डाल दिया हमने, तो इस टाइप से हमने इस पर इसको आवेश भी जो है दे दिया है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको आवेश दे दिया है। अब देखिए, अब इसके लिए हम इसके तीन लोकेशंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। ठीक है, एक तो इसके अंदर आवेशित चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु P पर, एक इसके सरफेस पर किसी भी बिंदु P पर, और एक हम तीसरी लोकेशन देखेंगे इसके बाहर किसी भी बिंदु P पर। ठीक है, तो तीन लोकेशंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाहर, ठीक है, इस गोले के बाहर कितने की विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, देखिए अब सिंपल सी बात है कि जिस भी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स का नियम लगाने के लिए हम यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना के लिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, तो पी से इसके सेंटर तक की जितने डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसके केंद्र से जो पी बिंदु हमने लिया है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर लिया है, तो हम यहाँ पर रचना करेंगे कि माना कि हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या पर एक पृष्ठ लिया है जिसे हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। इसे हमने क्या मान लिया, गाउसियन पृष्ठ कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। फर्स्टली हमने क्या किया, पी को सम्मिलित करते हुए आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ जो है उसकी हमने रचना कर ली है। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं कि हमने पी बिंदु को सम्मिलित करते हुए गाउसियन पृष्ठ की रचना यहाँ पर कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट हमारा क्या है, जब आर हमारी स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन है कैपिटल आर, यानी कि जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट है पी, वो गोले से बाहर है। ये भी लिख सकते हैं कि पी कहाँ है, गोले से बाहर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि गाउसियन पृष्ठ के लिए हम सबसे पहले गाउस के नियम का उपयोग करते हुए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और एक हम फ्लक्स निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, तो हमें पता है पहले हम लिखेंगे कि फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लक्स की परिभाषा से निकालते हैं। फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई होता है वो क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, ई ए लिख सकते हैं। ठीक है,
ई ए कॉस थीटा, ठीक है। एस भी हमने जो है एरिया के लिए लिया है, और बेसिकली हमने जो डेरिवेशन किया था वो ए रख करके किया था, तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल। तो चलिए इस फॉर्मूला से, अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें इस सरफेस के लिए, देखिए इसका एक छोटा सा डायग्राम अलग से बनाते हैं ताकि यहाँ पर कुछ भी मिक्स मैच ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये यह हमारा सेंटर है, ठीक है, ये कैपिटल आर त्रिज्या की रेडियस है, ठीक है, यानी कैपिटल आर त्रिज्या इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ पर ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने अलग से बना लिया, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगी इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके लिए लें, यानी कि ये जो पूरा चार्ज है यहाँ पर इस पर वितरित है, तो क्या हम एक बार इसको सेंटर पर मान सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर ये नेट चार्ज क्यों, ठीक है, तो हमने इस पर पूरा जो चार्ज है वो क्यों कंसिडर किया हुआ एक बार के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं इसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम इसको सेंटर पर रखा हुआ माने, पूरा चार्ज, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो हमेशा कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। हमने देखा है कि इस टाइप से पॉइंट चार्ज अगर हमारा सेंटर पर होता है तो इस टाइप से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस जो है हमेशा इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इसी टाइप से विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मैंने दिखाना चाहें तो कुछ इस टाइप से होंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए अगर हम अंदर वाले को इग्नोर करके बिल्कुल ये माने कि यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज है हमारा क्यों, क्योंकि जो क्यों पूरा का पूरा आवेश है वो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको एक सेंटर पर रखा हुआ चार्ज भी मान सकते हैं, ठीक है, एक बार हमने कंसिडर कर लिया। अब देखिए इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डी ए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगी, और इस एरिया के लिए जो ए वेक्टर होगा यानी जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन भी कुछ इधर होगी, ठीक है, यानी डी ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कोई और दूसरे डायरेक्शन के लिए देखें, यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लें डी ए, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और डी ए वैक्टर की भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी अगर हम छोटा सा अल्पांश ले लें तो उस पर हम देखेंगे कि डी ए वैक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश और जो हमारा ई वैक्टर है उसके बीच का एंगल यानी कि थीटा हमेशा कैसा रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा कैसा रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इस छोटे से अल्पांश के लिए निकालते हैं डी फाई बराबर, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हर समय चेंज हो रही है, लेकिन छोटे से अल्पांश के लिए निकाल करके अगर हम पूरे इसके सिस्टम के लिए अगर हम समाकलन कर देंगे तो पूरे गोले के लिए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल आर त्रिज्या के जो हमारा गोला है उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ के लिए हम कर रहे हैं, तो बेसिकली डी फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, E इंटू यहाँ पर हम डी ए लेंगे क्योंकि छोटा सा अल्पांश है हमारा, और ये हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए आगे करते हैं, यहाँ पर डी फाई कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए। अब देखिए अगर हम समाकलन करें, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर दें तो डी फाई आ जाएगा फाई यानी कि फाई नेट, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ई हमारा कांस्टेंट है और ये हो जाएगा डी ए। अब हमें पता है कि अगर हम क्लोज सरफेस के लिए, देखिए कंप्लीट सरफेस के लिए ले रहे हैं तो इस टाइप से हम दिखाते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए हमने समाकलन किया है, ठीक है, तो इसके लिए डी ए, अब पूरा एरिया अगर हम कंसिडर करेंगे तो पूरा एरिया गोले का एरिया कितना होता है, 4πr², ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πr², अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं तो हमारा फाई जो है वो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4πr², और इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्लक्स हमारा ये वाली वैल्यू आई है फर्स्टली किसके कारण, अगर हम इसे ए नेम दें, ठीक है, ये आया है फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। अभी तक हमने गाउस के नियम से फ्लक्स तो निकाला ही नहीं है, तो अब हम देखते हैं गाउस के नियम से हमारा क्या फ्लक्स होगा। तो सिंपल सी बात है, गाउस के नियम से अगर हम देखें तो बी हम लिखेंगे यहाँ पर, बी गाउस के नियम से जो फ्लक्स है, गाउस के नियम से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, समीशन क्यू बटे में ई नॉट। और अब हमें पता है कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश कितना है, तो ये तो स्मॉल क्यू के बराबर है, ठीक है, पूरा ये जो आवेश है ये हमने स्मॉल क्यू ही कंसिडर किया है, ठीक है, तो स्मॉल क्यू जो है क्यू आवेश के बराबर होगा, नेट जो है इस गोले के अंदर ही रहे पूरा का पूरा जो आवेश है, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यू हम रख देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में
एप्साइलन नॉट, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब देखिए फाई बराबर ये और फाई बराबर ये, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से अगर हम तुलना करें तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस देखिए, क्यू बटे वी नॉट और यहाँ पर ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो परिभाषा से क्या आएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, क्यू बटे में ई नॉट के, ठीक है, क्यू बटे में ई नॉट से, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन वन एंड टू से, ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू से देखें तो हमारी ई बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ई बराबर निकालना चाहें तो ये फोर पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर पाई, ई नॉट को हम पहले लिखे और आर स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, चलिए एक बार हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, ई बराबर क्यू बटे में फोर पाई, ई नॉट को पहले लिखते हैं और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि वन अपॉन फोर पाई ई नॉट क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे लिए स्टार वन इक्वेशन, हमने नेम दे दिया, ये आ गया हमारे लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ पर, कोई बिंदु P पर जो कि इस आवेशित चालक गोले के बाहर स्थित है, ठीक है। यानी कि हमने केस वन हमारा कर लिया है जिसमें स्मॉलर हमने ली है कैपिटल R से बड़ी, यानी कि P बिंदु लिया गोले से बाहर, तो कोई भी ऐसा P बिंदु जो कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले ले, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केस सेकंड के लिए, अब हम देखेंगे केस सेकंड के लिए, ठीक है, सेकंड केस के लिए क्या होगा। तो देखिए सेकंड केस के लिए सिंपल सी बात है कि ये जो पी बिंदु है, जो पी बिंदु है वो हम लेंगे हमारा सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर। तो सेकंड केस, केस सेकंड देखिए, सेकंड केस सेकंड क्या हो जाएगा, जब आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आर बराबर कैपिटल आर हो जाए यानी कि पी बिंदु कहाँ पर हो जाए, गोले के सतह पर, ठीक है, गोले के सतह पर अगर हमारा पी बिंदु आ जाए यहाँ पर, तो हमारी जो कैपिटल आर है वही हमारी होगी स्मॉल आर, ठीक है, यानी कि आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया इसके लिए, यानी स्मॉल आर के लिए हमारे पास रिलेशन है, अगर हम इस रिलेशन के अंदर देखिए आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ के लिए, आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ के लिए ई हमारे पास आया है के क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, अभी निकाल करके लेकर के आए हैं, और अगर आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है तो यहाँ पर ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा आर बराबर कैपिटल आर होगा तो हमारा ई क्या आ जाएगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो के सेकंड तो हमारा बहुत इजीली हमारे पास निकल गया क्योंकि हमने पहले से ये निकाला हुआ था कि कोई स्मॉलर डिस्टेंस के लिए जो पी बिंदु पर जो है तीव्रता कैसी होगी, ये होगी, और अगर हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो हमारी तीव्रता ये हो जाएगी। तो केस सेकंड भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से इजीली हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर थ्री, जहां पर स्मॉल आर जो है वो छोटा होने वाला है कैपिटल आर से, यानी कि अब हम इस गोले के अंदर घुसने वाले हैं। तो देखिएगा अंदर कैसे चलेंगे, इस टाइप का ये गोला था और अब हम चले गए हैं इसके अंदर, यानी पी बिंदु हमने कंसीडर किया है इसके अंदर। तो हम गाउसियन पृष्ठ लेंगे कुछ इस टाइप का, रेड कलर में गाउसियन पृष्ठ लेने वाले हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉलर पी बिंदु को सम्मिलित करते हुए स्मॉलर रेडियस का एक गाउसियन पृष्ठ हमने ले लिया है। तो ये होगा हमारा गाउसियन पृष्ठ, ये हो जाएगा हमारा गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिएगा हम ले रहे हैं हमारा केस नंबर थर्ड, ठीक है, देखिए बहुत इजीली होगा ये, तो बहुत ही शानदार केस है क्योंकि इसमें बस चुटकियों में आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। केस नंबर थर्ड, अब देखिए स्मॉल आर रेडियस का और पी बिंदु पर जो है हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सी बात है, फ्लक्स अगर हम ले गाउस के नियम से, पहले इसके लिए गाउस के नियम से ले लेते हैं, ठीक है, गाउस के नियम से, गाउस के
नियम से अगर हम फ्लक्स देखना चाहे तो समीशन क्यू बटे में एप्साइलन नॉट। अब देखिए गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश होता है समीशन क्यू, ठीक है। समीशन क्यू क्या होता है? गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश। तो अब आप कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, गाउसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, क्योंकि आवेशित चालक गोले में पूरा आवेश तो सरफेस पर रह गया। तो ये वाला हमारा जो परिबद्ध आवेश है, सॉरी परिबद्ध जो हमारा सतह है, इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो यहाँ पर अंदर समीशन क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इससे हमारा फाई जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो बटे में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ से हमारा फ्लक्स क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। अगर हम परिभाषा से निकालें तो परिभाषा से हमारे पास बेसिकली फ्लक्स क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा आएगा। अगर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं अगर, तो हमारा ई जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि एरिया हमारा जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फाई दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चला क्या पता चला, कि आर रेडियस का कोई चालक गोला ले जो कि आवेशित हो, ठीक है, तो उसके अंदर E बराबर कितना होगा, जीरो होगा। उसके सरफेस पर E बराबर कितना होगा, के क्यू बटे में कैपिटल R स्क्वायर। और अगर बाहर देखें कोई भी दूरी स्मॉल r पर, तो वहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू बटे में स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि इसके लिए हम E और R के बीच में अगर ग्राफ बनाएं, यहाँ पर हमारा E है और यहाँ पर हमारा R है, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा, सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर R इज इक्वल टू स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल हैं, और यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, और यहाँ पर R जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। यानी कि हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस पर पहुँच गए और उसके बाद गोले के बाहर चले गए, ठीक है। तो इसके लिए E की वैल्यू देखिए, जब R जो है वो छोटा है तो E की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ग्राफ यहाँ चलेगा। और जैसे ही हम सरफेस पर आ जाते हैं तो E की वैल्यू हो जाती है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। मान लीजिए ये वैल्यू है के क्यू बटे में आर स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बाहर जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो आर है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जो हमारा ग्राफ है वो किस टाइप से होगा, ठीक है। यहाँ पर इसे हम इस टाइप से दिखा सकते हैं कि पहले जीरो थी, उसके बाद एकदम से के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर हो गई, और उसके बाद कुछ इस टाइप से डाउनवर्ड्स जाएगा कि ई हमारा प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। ये ग्राफ आपका अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है, ई और आर के बीच में जो ग्राफ हमारा बना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा गाउस के नियम का जो सेकेंड अनुप्रयोग है, यानी कि अब हम देखेंगे जो हमारा अचालक गोला हो, ठीक है। अगर हमारा अचालक गोला हो तो उसके लिए जो है हम आवेशित अचालक गोले को लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो अब देखिए हम हमारा दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास अचालक गोला है, और जो अचालक गोला है अगर हम उसे आवेशित करते हैं तो पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर जाएगा, उसके आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, संपूर्ण आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हमने प्लस चार्जेस को इसके अंदर दिखा दिया, ठीक है। और जो हमने पिछले हमारे अनुप्रयोग में किया था वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें हमने रिपीट करनी है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर बोर्ड में अच्छे से नोट करके रखी है, ताकि हम अच्छे से कंपैरिजन के साथ उसको कर सकें, ठीक है। वही किया था हमने हमारे केस नंबर 1 में, क्या किया था हमने, बिंदु पी को हमने सबसे पहले जो हमारा आवेशित अचालक गोला है उससे बाहर कंसिडर किया था, और उसकी दूरी हमने कंसिडर की थी स्मॉल r, ठीक है। इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए इस गोले से बाहर स्मॉल r दूरी पर, यानी सेंटर से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ हमने कंसिडर कर लिया है, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस अनुप्रयोग में भी किया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, वही चीज़ लिख ली है, केस फर्स्ट, जब बिंदु पी गोले से बाहर हो, जब स्मॉल r ग्रेटर देन हो कैपिटल R से, ठीक है। अब देखिए वहां पे हमने यही स्टेप किया था, ए नंबर किया था, फ्लक्स की परिभाषा से पहले हमने फ्लक्स निकाला था, उसके लिए हमने डायरेक्शन देखी थी किस टाइप से, हमने यहां पर एक छोटा सा अल्पांश लिया था
डीए जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसी तरफ थी और डीए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ थी। ठीक है, ये जो हम छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो उसे हम लगभग जो है इस टाइप से मान सकते हैं पूरा। ठीक है, छोटा सा अल्पांश लिया है तो उसके लिए एरिया वेक्टर भी उसी टाइप में होगा यानी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, हमारा एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमने लिख दिया है परिभाषा से डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हमने रख दिया तो यहाँ से डी फाई हमारे पास आ गया ई डी ए। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हम फाई नेट अगर निकालेंगे, तो हम इसका जो है समाकलन करने वाले हैं जैसा हमने पहले किया है। तो हमने पहले कर रखा है तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ई बाहर रहेगा और डी ए का अगर हम समाकलन करें, ठीक है, पूरे गोले के लिए डी ए का समाकलन कर देंगे तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr², और ये हम जो है स्मॉलर वाले गोले के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा 4πr². ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास e इंटू 4πr², यानी कि यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी e इंटू 4πr², ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट गाउस के नियम से। सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखिए गाउस के नियम से जो हमारा फाई आने वाला है, समीशन ऑफ क्यू, नेट हमारा क्यू क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्यू चार्ज कंसीडर किया था। ठीक है, तो हमारे पास नेट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के स्मॉल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी क्यू बटे में एप्साइलन नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। आप कहेंगे कि वही तो रिजल्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेम, सिर्फ एक जो हमारा केस नंबर 3 होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा किससे, प्रीवियस वाले अनुप्रयोग से, बाकी दोनों वैल्यूज हमारी सेम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान हो गया ये आपके लिए क्योंकि सेम स्टेप्स को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम देखें इस फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, ये यानी कि ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ई इंटू 4πr², ये इक्वल हो जाएगा क्यू बटे में एप्साइलन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा Q बटे में 4πr² एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट को यहाँ रखें तो ये हो जाएगा Q बटे में 4πε0r² और 1/4πε0 हमें पता है K होता है तो ये हो जाएगा KQ/r². तो E की वैल्यू आ गई हमारे पास KQ/r². ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे लिए जब हमारा पॉइंट P जो है वो कहाँ पर हो, इस अचालक आवेशित गोले से बाहर स्थित हो। केस नंबर 2 में हम लेते हैं जब बिंदु सतह पर हो, यानी P जो है वो कहाँ पर हो, इसके सरफेस पर हो, यानी कि ये हमने लिया था कैपिटल R त्रिज्या का। अगर हम P बिंदु यहाँ ले लें तो हमारी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर ही हो जाएगी। तो जो रिजल्ट हमने स्मॉल r के लिए निकाला है, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास E बराबर आ जाएगा KQ/r². ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, यानी कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो तब हमारी E होगी ये, और जब हमारा बिंदु P गोले की सतह पर हो तब हमारा हो जाएगा E बराबर KQ/r². ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, केस नंबर 2 तक बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन केस नंबर 3 में जाके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि देखिए केस नंबर 3 में जाने के बाद हम जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। गाउसियन पृष्ठ अंदर लेंगे तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर पूरा चार्ज क्यू नहीं होगा, बल्कि उसका क्यू का छोटा सा अमाउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा आयतन लेना पड़ेगा, अंदर का छोटा आयतन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्यू आवेश तो पूरे आयतन में वितरित है, तो इस आयतन में, इस छोटे वाले आयतन में कितना आवेश है ये कैसे निकालेंगे। तो केस नंबर 3 हमारा बहुत ही मजेदार है। ठीक है, प्रीवियस जो हमने अनुप्रयोग किया था उसमें तो अंदर चार्ज 0 था क्योंकि चालक गोले के अंदर नेट आवेश 0 होता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा अलग होगा हमारा केस नंबर 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केस नंबर 3। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पर। ये बहुत ही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है जो बिंदु P कंसीडर करने वाले हैं वो गोले के भीतर होगा, यानी कि स्मॉल r जो है वो हमारा कैसा होगा, कैपिटल R से छोटा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने बिंदु P को यहाँ पर कंसीडर किया है। ठीक है, तो इसके लिए गाउसियन पृष्ठ हम क्या करेंगे, इस वाली स्मॉल r रेडियस के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ P बिंदु को सम्मिलित करते हुए कुछ इस टाइप से यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ये वाला गाउसियन पृष्ठ यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि इस पूरे पर क्यू आवेश था,
इस पूरे पर क्यों आवेश था? तो इस अंदर वाले के अंदर, यानी कि जो स्मॉलर रेडियस का गोला है, ठीक है, उसके अंदर हमने मान लिया कि क्यू डैश आवेश है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कितना आवेश है, इसके अंदर क्यू डैश आवेश है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे हम स्टार्ट कर रहे थे कि सर्ड हमने लिखना है कि जब बिंदु पी गोले के भीतर स्थित हो, स्मॉलर डिस्टेंस हमारी कैपिटल आर से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए वही चीज़ें रिपीट करनी है, लेकिन यहाँ पर आकर के हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए परिभाषा से हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो वही निकलेगी, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर वन, जो कि हम मेथड रिपीट कर रहे हैं। हर बार हम परिभाषा से जो है एक छोटा अल्पांश लेकर के, और हर बार हम जो है एंगल जीरो रख करके, और इस टाइप से हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो समीशन ऑफ क्यू के 1/E0 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहां पर ये जो समीशन क्यू है ये होता है नेट आवेश किसके अंदर का, गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश यानी कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, ठीक है। अब कुछ आवेश जो क्यू है, क्यू का कुछ अमाउंट तो इसके अंदर है और कुछ अमाउंट बाहर है, लेकिन इस पर्टिकुलर इसके अंदर कितना है, इसे हमने क्यू डैश कंसिडर किया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश बटे में एप्साइलन नॉट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब क्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो बेसिकली देखिए पूरे गोले का जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर हम छोटे वाले का देखें तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई कि बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर यानी कि कैपिटल आर क्यूब होगा, और छोटे वाले के लिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे आयतन में आवेश है, पूरे आयतन में कितना आवेश वितरित किया हुआ है, स्मॉल क्यू, यानी कि हम यहाँ पर देखें कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन में कुल आवेश कितना है, तो ये आवेश है हमारा स्मॉल क्यू, ठीक है। यानी कि पूरे आयतन में, बड़े आयतन में कितना आवेश है, क्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एकांक आयतन में कितना आवेश है, एकांक आयतन में कितना आवेश हो जाएगा, तो एकांक आयतन में निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब को हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एकांक में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा से अगर हम यूनिट का अगर हम निकालना चाहें, ज़्यादा से यूनिट का निकालना चाहें तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एकांक आयतन में हमारे पास आवेश आ गया। अब हम देखते हैं छोटे वाले आयतन में हमारे पास कितना आवेश है, क्योंकि हमें तो क्यू डैश चाहिए ना। छोटे वाले आयतन में यानी कि 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब, इस आयतन में आयतन में जो आवेश है, ये आवेश कितना हो जाएगा, ये आवेश, इसे हम क्यू डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आवेश इस वाले से कितना आएगा, तो हम 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा एकांक आयतन में है। देखिए एकांक आयतन में इतना है, इतने आयतन में कितना होगा, तो इसके लिए हम एकांक आयतन वाले को इस आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ से, अब देखिए 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू डैश है, देखिए क्यू डैश जो है इसकी वैल्यू क्या आई, क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, इसे हम इक्वेशन नंबर स्टार देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को जब हम पहले करते हैं कि यहाँ पर जो फाई है और यहाँ पर जो फाई है, इन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन एंड टू से, ठीक है। बस यहाँ पर यही फर्क है कि यहाँ पर क्यू की जगह क्यू डैश आ चुका है, और वो क्यू डैश हमने क्यू की फॉर्म में अलग से हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा क्यू डैश बटे में एप्साइलन नॉट के, ठीक है। अब इस क्यू डैश की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से। जैसे ही हम क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ई एक्स आई ले लेते हैं, ठीक है, बाकी एक बार वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, एक बार वैल्यू नहीं रखते हैं, 4πr², ठीक है। अगर हम 4πε0 नोट को रखें तो ये हो जाएगा k q डैश बटे में r स्क्वायर, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई हमारे पास k q डैश बटे में r स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू ना रख के, यहाँ अगर हम इस q डैश की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, देखते जाइएगा, k और बटे में r स्क्वायर है,
ठीक है। और इस क्यू डैश की अगर ये वाली वैल्यू हम रखते हैं तो ये आ जाएगा क्यू आर क्यूब बटे में आर, यानी कि कैपिटल आर की क्यूब, ठीक है। ये आर स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू आर बटे में आर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि इस गोले के अंदर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आई है, देखिए यहाँ से हमारे पास ई बराबर कितना आएगा के क्यू आर बटे में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, यानी कि पहले हमने निकाला था गोले के बाहर, फिर हमने निकाला गोले की सरफेस पर, और अब हमने देखा कि गोले के अंदर इतना जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आवेशित चालक गोले के कारण और आवेशित अचालक गोले के कारण हमने देख लिया है, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पर आवेशित जो है आवेशित अचालक गोला ही ले, लेकिन यहाँ पर तो हमने ठोस गोला लिया, अगर हम खोखला गोला ले तो आवेशित अचालक खोखला गोला चालक गोले के समान ही हो जाएगा, तो उसके लिए डेरिवेशन चालक गोले के समान ही होगा, ठीक है। वो आपने स्टार्टिंग में ही हमने जो है देख लिया था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इसके आगे के जो दो हमारे अनुप्रयोग हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को मित्रों को शेयर करें, और स्टेटस डाल करके आप किसी भी टाइप से शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा नया जो टॉपिक है वो भी आपको मिले, और नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका लिंक भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।